हेलो भाइयों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल के अंदर और हमारी शॉप जावटुक करोलवाड़ में। चेक कर सकते हैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो हम लेके आ चुके हैं। और आज की जो वीडियो है ना गाइस, वो रहने वाली है हमारी XUV 7 डबलओ पे। क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड किया एक एक करके दिखाते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में चेक कर सकते हैं फॉग लाइट वगैरह किसी को लगवानी है तो आप वो यहाँ पे लगवा सकते हैं। LED लगवानी है उसके अंदर वो ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है हमारी शॉप जावटुक करोलवाड़ में। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या कुछ अपग्रेड है तो साइड प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पे खाली फुटरेस्ट हमारा लगाया गया। अभी थोड़ी गंदगी है क्योंकि इसमें अभी फिटिंग वगैरह कर रहे थे। बाकी स्ट्रेंथ दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से रहने वाली है। ये देखिए, इसके ऊपर आप जंप वगैरह करेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो है हिलने वाला नहीं है। स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बात करें जेन्युइन की तो जेन्युइन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। और बाकी आफ्टर मार्केट में तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट रहने वाले हैं। और क्या कुछ इसमें अपग्रेड है तो यहाँ पे साइड मिरर जो है ऑटो फोल्ड वाले लगाए गए। प्रॉपर हमारा मिरर जो है चेंज किया गया है और जेन्युइन महिंद्रा का यहाँ पे लगा दिया गया है, जिसकी आपको यहाँ पे की से ही लॉक और अनलॉक पे भी वर्किंग देखने को मिल जाती है। जैसे ही गाड़ी को करूँगा लॉक, मिरर जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मिरर जो है फोल्ड हो चुके हैं। और जैसे ही इसको करूँगा अनलॉक तो ये देखिए मिरर जो है वापस यहाँ पे अनफोल्ड हो गया है। तो साइड में यही कुछ किया गया था। अब चलते हैं बैक में, दिखाते हैं क्या कुछ अपग्रेड है। तो भाई बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में हमारे यहाँ पे दो काम किए गए हैं। एक हमारा रिफ्लेक्टर लगाया गया है, दूसरा हमारा रियर गार्ड लगाया है। रियर गार्ड आजकल बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया है क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जल्दबाजी में रिक्शे वाले स्कूटर वाले यहाँ पे गाड़ी को ठोक देते हैं पीछे से, तो उससे बचाता हमारा यहाँ पे रियर गार्ड प्रोटेक्ट करता है बैक साइड को डैमेज होने से। तो सबसे बेस्ट है रियर गार्ड भी आप यहाँ पे जरूर इंस्टॉल करवाएं। नेक्स्ट बात करें रिफ्लेक्टर की वर्किंग दिखा दूँ आपको, ऑन करके दिखाता हूँ किस तरीके से होने वाला है। तो ये देखिए डायरेक्ट हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पे ऑन हो जाता है। इसके अंदर आपको ब्रेक, पार्किंग, इंडिकेटर तीनों फीचर देखने को मिल जाते हैं। आपको मैं अभी इंडिकेटर फीचर दिखाता हूँ। इंडिकेटर देना भैया। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लिंक करती हुई लाइट मिल जाएगी इंडिकेटर में। भैया इंडिकेटर बंद करके ब्रेक देना। तो ये देखो जैसे यहाँ पे ब्रेक दिया है तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रात को आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। चलते हैं इंटीरियर में, आपको दिखाते हैं क्या कुछ अपग्रेड है। उससे पहले आपको बता दूं कि किसी भाई को यहाँ पे अलॉय व्हील चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इंटीरियर में, दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ अपग्रेड है। तो भाई वो आ चुके अब इंटीरियर में। इंटीरियर में हमने क्या कुछ अपग्रेड करा है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे स्टीयरिंग पे जो वर्क किया गया है। चेक कर सकते हैं स्टीयरिंग में, यहाँ पे हमने स्टीयरिंग रैप किया है। मून डिज़ाइन के अंदर हमारा स्टीयरिंग रैप होने वाला है जो गाड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग्जरी बना देता है। साथ में इसकी फिटमेंट वगैरह आप चेक कर सकते हैं कितनी प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे फिटमेंट करी है। पूरी की पूरी OEM फिटिंग करी गई है और साथ में इसमें टॉप नॉच फिटिंग भी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे हल्का सा भी आपको यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखने को नहीं मिलेगा। सबको बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिट कर दिया गया है। चेक कर सकते हैं फिटमेंट वगैरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर दी गई है। नेक्स्ट बात करें इसमें डिज़ाइंस की तो डिज़ाइंस आपको एक दो और देखने को मिल जाते हैं। जैसे किसी भाई को 2 कट चाहिए, 4 कट चाहिए तो सारे ऑप्शन अपने पास अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी ट्रेंड पे अपना ये मून डिज़ाइन चल रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि गाड़ी के लुक को लग्जरी बना देता है। साथ में इसमें और क्या कुछ अपग्रेड है, इसमें हमने करी है एम्बिएंट लाइटिंग। तो एम्बिएंट लाइट का भी आपको रिस्पांस दिखा देता हूँ किस तरीके से होने वाला है। चेक करिए, ये देखिए कुछ रनिंग कलर में आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट ऑन होते हुए दिख जाएगी। K4 रहने वाली है ये। साथ में इसके अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे अल्टीमेट मोड्स, डिफरेंट एनिमेशंस और बहुत सारे कलर भी देखने को मिल जाते हैं। बात करें एम्बिएंट लाइट में ऑप्शन आपको कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं तो एक K3 का ऑप्शन अपने पास आता है तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। बट K3 में क्या फ़ायदा नहीं मिलता है आपको, ये जो आपको रनिंग कलर दिख रहेगा ये आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ही गाड़ी आप ऑन करोगे तो सिंपल सा एक कलर यहाँ पे ऑन हो जाता है। बट K4 के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पे ढेर सारे कलर्स और कॉम्बिनेशन देखने को भी मिल जाएंगे। बात करें फ़ायदे की तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप यहाँ पे K4 ही लगवा लें। उसके बाद क्या और कुछ अपग्रेड है यहाँ पे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेदर रैप करा है जिसकी फिटमेंट देखिए आप कितनी प्रॉपर तरीके से करी गई है। साथ में यहाँ पे चेक कर सकते हैं सिलाई कितनी प्रॉपर तरीके से करी है, बिल्कुल प्रोफेशनल वर्क के थ्रू यहाँ पे काम को किया गया है। चेक कर सकते हैं हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे करी गई है। स्क्रैच की बात करें तो ये देखिए स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे लेदर भी यूज़ किया गया है। साथ में इसमें किसी भाई को यहाँ पे AC वेंट वगैरह चेंज करवाना है तो आप वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या कुछ हुआ तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं ग्लॉसी में काम किया गया है। यहाँ पे चेक कीजिए पूरे पार्ट को यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में कर दिया गया है, पूरा पियानो फिनिशिंग में रहने वाला है। साथ में यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये पूरा का पूरा स्विच पैनल जो है ये भी हमारा चेंज किया गया है। नेक्स्ट जो बात है यहाँ पे चेक करिए जो ऑटो फोल्ड हमने किया था उसका बटन भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ये देखिए जैसे ही आप इसको दबाएंगे मिरर जो है फोल्ड हो जाएंगे और वापसी इसको प्रेस करते ही यहाँ पे मिरर जो है अनफोल्ड हो जाएंगे। एडजस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, जिस तरफ का आपको मिरर यहाँ पे कंट्रोल करना है उधर आपको डायल घुमाना है और सिंपली यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट मिल जाएगी आपको। अब
ये डाउन, ये लेफ्ट और ये हमारा राइट। अंदर से ही आप अपने यहाँ पे मिरर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे चेक कीजिए, हमारे इनर हैंडल को भी यहाँ पे रिप्लेस किया गया है, प्रॉपर महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है। चेक कर सकते हैं यहाँ पे रेड कलर की आपको बेजिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप डिपिंग कराते हैं तो आपको ये फिनिशिंग देखने को नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। साथ में यहाँ पे चेक कीजिए, डुअल टोन में रहने वाला है हमारे यहाँ पे गेट्स, यहाँ पे हमारा व्हाइट कलर में रहने वाला है, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरा ब्लैक कलर में यहाँ पे सॉफ्ट टच किया गया है। सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं कितनी प्रॉपर रहने वाली है, ये देखिए हल्का सा यहाँ पे प्रेस करूँगा, ये देखिए कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये जो सॉफ्टनेस है गाइस, ये ऐसा नहीं कि एक दो महीने में डल हो जाएगी इसकी सॉफ्टनेस, ऐसी की ऐसी रहेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर कॉटन वगैरह डाली जाती है। स्टिचिंग वगैरह आप चेक कर लीजिए, स्टिचिंग प्रॉपर तरीके से करी गई है, देख सकते हैं ये देखिए। और ये लेदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया, देखिए इस पर स्क्रैच मैं मार रहा हूँ, ये देखिए हल्का सा भी स्क्रैच वगैरह इसके ऊपर नहीं आएगा। उसके बाद भाइयों आपको एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, ये जो हमारे स्विचेज है ना, इसको भी यहाँ पे रिप्लेस किया गया है, चेक कर सकते हैं। ये भी हमारे महिंद्रा जेन्युइन रहने वाले हैं, चेक कर सकते हैं प्रॉपर ग्लॉसी फिनिशिंग में यहाँ पे लगा दी गई है। नेक्स्ट बात कर ले इसमें और क्या कुछ अपग्रेड है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारे लगाए गए हैं लग्जरी सीट कवर, जो कि रहने वाले फुल ब्लैक में, फुल बकेट सीट कवर है, विथ थाई सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, पीछे बैक सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। जो लोग लंबे जर्नी वगैरह पे जाते हैं तो उनके बैक और थाई में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, तो उनके लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं थाई सपोर्ट और बैक सपोर्ट सीट कवर, चेक कर सकते हैं सॉफ्टनेस, ये देखिए हाथ कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेस हो रहा है, कितने ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाले हैं, और साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिलैक्स दिलाएंगे। नेक्स्ट बात करिए, देखिए बकेट फिटिंग आपको देखने को मिल रही है, सॉफ्टनेस चेक कीजिए कितनी प्रॉपर रहेगी। साथ में यहाँ पे चेन सिस्टम आपको दिया जाता है, देख लीजिए। उसके बाद डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन भी आपको इसमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिज़ाइंस हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे रखे रहते हैं, फिर भी किसी कस्टमर को यहाँ पे पसंद नहीं आते हैं तो आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है कस्टमाइजेशन में, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं मेरे सीट कवर को सिलने में। अगर आप जैसे वेस्ट टू टॉप काम करवाते हैं तो जब तक हमारे सीट कवर भी यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आर्मरेस्ट के ऊपर भी हमने यहाँ पे सॉफ्ट टच कराया, देखिए कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट होने वाला है, देखिए हल्की सी उंगली यहाँ पे दबा रहा हूँ और कितना ही अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेस हो रहा है। साथ में स्टिचिंग देख सकते हैं कितनी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करी गई है, देखिए फिटमेंट दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए फिटमेंट, प्रॉपर फिटमेंट करी गई है, टॉप नॉच फिटिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो गाड़ी में तो यही कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी, अगर आपको इससे भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करानी है, जैसे कि आपका पूरा ही बेस मॉडल है तो आप उसको टॉप मॉडल में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं हमारी शॉप जय ऑटो करोल बाग में। बाकी वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।